नमस्कार, स्वागत है आपका बिजपथ एजुकेशन के पेड बैच में। मेरा आज हिंदी का जो टॉपिक है वह रहेगा काल और उसके भेद। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लासेस काल और उसके भेद। काल अर्थात समय, या आप टेंस भी कह सकते हैं जिसे। समय, जो कार्य समय के अंतराल में पूरा होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस समय में कोई भी कार्य हो रहा है उसे भी हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे, समय कहेंगे। काल के जो मुख्य भेद हैं वो तीन हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल नंबर एक, नंबर दो है भूतकाल और नंबर तीन है भविष्य काल। वर्तमान काल सबसे पहला जो भेद है काल का वो है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा है, घटित मतलब घट रहा है या हो रहा है ना, यानी कि जो कार्य जिस समय में हो रहा है। जैसे अगर कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा है तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान होता है जो चल रहा है, यानी कि जो अभी कार्य आपका चल रहा है वो हुआ वर्तमान काल। वर्तमान काल के जो भेद हैं वो मुख्य कितने भेद हैं, पांच भेद हैं वर्तमान काल के। ठीक है, तो वर्तमान काल आपको पता चल गया होगा, यानी कि जो अभी समय चल रहा है वो क्या हुआ आपका वर्तमान काल, है ना, रहा है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है वर्तमान काल की। तो सबसे पहले वर्तमान काल के जो आगे भेद हैं, तो सबसे पहले आता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा आता है अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, और इसी के साथ चौथा आता है संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा आता है संभाव या संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्तमान काल का भेद है यानी कि सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल यानी कि बिल्कुल सिंपल सी क्रिया, यानी कि कोई बिल्कुल सिंपल सी क्रिया है या कार्य है जो वर्तमान में सिंपल तरीके से या सिंपल वे से हो रहा है तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे, है ना। जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता दिखाई दे उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, सीता अपना काम करती है। एक बिल्कुल सिंपल क्रिया जो है वो इन जो वाक्य हैं या जो भी एग्जाम्पल दिए हैं इसके इनमें बताई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा जो है वो है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण नाम से पता चल रहा है, पूर्ण मतलब जो क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है ना वर्तमान में। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो, प्रतीत मतलब पूरा हो रहा है, कोई भी कार्य कहां पे वर्तमान में अथवा पूरा हुआ प्रतीत हो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। यानी कि जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं वर्तमान में तो आपने उसको क्या किया है कि वर्तमान में ही पूरा कर लिया है तो उसे बोलेंगे हम पूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण दिए हैं, पिताजी टहल कर आ गए हैं, है ना। इन्होंने क्या किया कि जो ये क्रिया कर रहे थे तो वो उन्होंने वर्तमान में ही पूरी कर ली, टहल कर आने की जो क्रिया थी। अलका अपना निबंध पूरा कर ली है, यानी कि अलका जो निबंध लिख रही थी तो उसने उसको पूरा कर लिया है, कहां वर्तमान में, ना लिख रही थी तो अब कंप्लीट हो गया, कब हुई क्रिया वर्तमान में। हमने स्नान कर लिया है ना। जैसे और पूछा आपसे किसी ने कि हाँ आपने स्नान कर लिया, हाँ जी हमने स्नान कर लिया है। ठीक है, तो वो ही पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जो क्रिया वर्तमान में पूरी हो रही है उसे कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगला है तीसरा अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। तत्काल क्या होता है, एकदम से, अचानक, है ना। कई बार क्या होता है कि क्रिया पूरी नहीं होती है, है ना। जैसे मान लो आपने ट्रेन की टिकट बुक करवाई है तो वो क्या है, उस टाइम पे आपको टिकट नहीं मिली तो आपका जो यानी कि आपका जो नाम था वो कहाँ पे डाल दिया, तत्कालिक डाल दिया, कि तत्काल एकदम से अचानक। ठीक है, अचानक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो उसे तत्काल या तत्कालिक कहते हैं, ना। जहां पर वर्तमान का कोई कार्य पूरा ना होने का संकेत दे रहा है।
ठीक है। अब पक्का नहीं होता कि होना है या नहीं होना है, तो वो अपूर्ण वर्तमान है ना, यानी कि हमें पता नहीं है कि वो क्रिया जो है वो वर्तमान में पूरी होगी या नहीं होगी। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक अभी क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है ना, पढ़ा चुके नहीं है, पढ़ा रहा है, ठीक है। छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई भी कार्य जो है वो अभी चल रहा है ना। राधा कमरे में नाच रही है, नाच रही है अभी, उसका नाच जो है, उसका जो भी डांस कर रही है वो अभी चला हुआ है। पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, देखो अपूर्ण में टहल रहे हैं और पूर्ण में टहल कर आ गए हैं, यानी कि वो आ गए हैं अब घर टहल कर, और अपूर्ण में अभी वो क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक है। तो वो अपूर्ण, यानी कि कोई भी क्रिया वर्तमान में क्या है, पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है। अगला इसका जो चौथा है वो है संदिग्ध वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने पर, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, ठीक है। संदिग्ध का क्या मतलब होता है, संदेह, है ना, संदेह हो, ठीक है। जैसे पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, अब हमें पूरा यानी कि विश्वास नहीं है, या पूरा आपको क्या उस बात पे क्या है, एक संदेह है, एक डॉट है कि वो टहल रहे होंगे, टहलते होंगे। माता जी रसोई में खाना पकाती होंगी, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि हां जी आपकी मम्मी कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, हम, हो सकता है वो किचन में क्या कर रही है, खाना बना रही है या बनाती होंगी, है ना। यानी कि एक संदेह है कि हो सकता है या नहीं है वो आपको नहीं पता, लेकिन उस बात पे आपका क्या है, संदेह है, है ना। बच्चा चारपाई पर सोता होगा, होगा, होगी, होंगे, एक संदेह है, किसी भी कार्य के ऊपर एक संदेह है, लेकिन क्रिया कौन सी है, वर्तमान, ठीक है। अगला इसका पांचवा भेद है संभाव या संभाव्य भी बोलते हैं, संभावना होती है, इसका अर्थ होता है वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना। मैंने बोला संभाव्य का क्या मतलब होता है, या संभाव का मतलब होता है संभावना, है ना, हो वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है, संभावना है। जैसे लगता है पिताजी टहल कर आ गए, यानी कि संभावना है कि पिताजी क्या करके आ गए, टहल कर आ गए। नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है ना, शायद, अब आपको नहीं पता कौन है, लेकिन संभावना है, हो सकता है कि वो आपकी जो हाउस मेड है वो वहां पे क्या है, खड़ी है। नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, ठीक है। शायद शब्द लग गया मतलब संभावना है, खड़ी है मतलब वर्तमान काल का वाक्य है, ठीक है। ये खड़ी होगी नहीं है, खड़ी है, वर्तमान काल का वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भूतकाल, ठीक है। वर्तमान काल मैंने आपको बताया, यानी कि जो समय अभी चल रहा है या जो घटना, जो क्रिया अभी घटित हो रही है वो वर्तमान। दूसरा आता है भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत चुका है ना, था थे थी इसकी पहचान है, ठीक है। तो था थे थी किसकी पहचान आई, भूतकाल की, है या रहा है, रहे हैं किसकी पहचान आई, आपकी वर्तमान काल की। तो था थे थी मतलब जो कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है या पूरा होने का संकेत दे रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम भूतकाल कहेंगे, ठीक है। उदाहरण है पिताजी गांव चले गए, जा चुके हैं उसके पिताजी कहां, गांव, ठीक है। गे बच्चा चारपाई पर सो गया, गया, सो रहा है नहीं है, रहा है, अगर होता तो वो होता आपका वर्तमान काल। यहां पर है बच्चा चारपाई पर सो गया, यानी कि सो गया है वो कहां, चारपाई पे, ठीक है। भूतकाल के आगे जो भेद हैं वो कितने हैं, छह, ठीक है। भूतकाल को आगे छह भेदों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसका आता है सामान्य भूतकाल, यानी कि सामान्य भूतकाल ये सब में होता है, सिंपल सेंटेंस सबका होता है, भूतकाल का भी होता है, वर्तमान काल का भी होता है, भविष्य काल का भी होता है, ठीक है। तो सामान्य भूतकाल इसका सबसे पहला जो भेद है वो है, जहां पर किसी कार्य के बीता होने का संकेत हो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। बीता होने का संकेत हो वहां पे क्या होगा, सामान्य भूतकाल। जैसे नौकर चला गया, छोटू ने अपना पूरा पाठ याद कर लिया, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा, लेकिन किससे रिलेटेड होगा, भूतकाल से रिलेटेड होगा, ठीक है
वर्तमान में वर्तमान से, भूतकाल में भूतकाल से। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगला है दूसरा, इसका भेद पूर्ण भूतकाल, ठीक है। पूर्ण है, नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो कार्य भूतकाल में क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले या कल परसों जो भी ले लो, है ना, बीत जाने का संकेत मिले, बीत जाने मतलब पूरा होने का संकेत मिले, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण है 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त को जो हमारा देश था वो क्या हो चुका है, आजाद, ठीक है। तो बहुत पहले का है तो उसका क्या मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि 15 अगस्त को वो आजाद हो चुका है। माता जी पहले ही खाना बना चुकी थी, इनकी बना चुकी थी, अब पता नहीं कब की बना चुकी हैं, सुबह ही बना दिया उन्होंने खाना, ठीक है। तो वो भी आपका क्या हो गया, भूतकाल हो गया। सॉरी। अगला तीसरा है आसन भूतकाल। आसन का मतलब होता है कि अभी अभी जो कार्य है ना, अभी अभी जो कार्य क्या हुआ है, पूरा हुआ है, लेकिन हुआ है तो वो भूतकाल में काउंट होगा। जहां पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो वहां आसन भूतकाल होता है, ठीक है। जैसे नौकर तो घर में दूध रखकर अभी अभी, अभी अभी शब्द आ रहा है ना, मतलब आसन भूतकाल है, चला गया, ये इसकी पहचान है आसन की। जैसे वाक्य में अभी अभी शब्द आए, है ना, इनकी एकदम से, ठीक है, अभी अभी चला गया, गाड़ी अभी अभी छूट गई, है ना, यानी कि जैसे जैसे ही मैं बस स्टैंड पे पहुंचा, गाड़ी अभी अभी छूट गई, चली गई गाड़ी, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, आसन भूतकाल। शब्द आते हैं अभी अभी, पहचान है इसकी, इससे पता चल जाता है कि कौन से भूतकाल के कौन से भेद से ये जो वाक्य है वो लिया गया है, तो ये लिया गया है आसन भूतकाल से, ठीक है। इसका आगे चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण नाम से पता चल रहा है, पूर्ण जैसे जो क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है, अपूर्ण यानी कि जो कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है, है ना। जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्णता मतलब यानी कि भूतकाल में जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। बच्चा चारपाई पर सो रहा था, यानी कि जब हमने देखा तो बच्चा क्या था, चारपाई पर सो रहा था। अब मेरे को नहीं पता वो सो रहा है या नहीं सो रहा है, ठीक है, अपूर्णता है, पूरा पता नहीं होना। हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, ठीक है, यानी कि अभी अध्यापक क्या कर रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे, लेकिन थे लग गया है, मतलब भूतकाल है, लेकिन पढ़ा रहे थे, पढ़ा चुके हैं नहीं थे, ठीक है। अपूर्णता है वाक्य में, तो इसलिए क्या है, ये अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अगला पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, है ना। जो वर्तमान काल में जब आया था तब भी मैंने आपको बताया कि संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। जहां पर किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता हो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है, है ना। जैसे और इसमें जो वाक्य में जो शब्द आते हैं वो संभवतः, शायद, है ना, ऐसे आते हैं, संभावना है, ऐसे वाक्य के बीच में जो है वो शब्द आएंगे, यानी कि ये पहचान, मान लो कि इस जो ये जो भूतकाल का भेद है ये इसकी एक पहचान है, है ना। यानी कि हमें किसी पर किसी बात पर संदेह है तो हम ऐसे कहेंगे, हाँ शायद हो सकता है, है ना, शायद शायद वो आ चुका था, शायद उसने खा लिया था। तो ये था लगा रही हूं क्योंकि मैं भूतकाल करवा रही हूं इसलिए, है ना। अगर ये आपका वर्तमान में होता तो शायद वो आ रहा है लगता, और अगर इसी को मैं आपका भविष्य काल में बोलूं तो शायद आज बारिश होगी, शायद शब्द लगा क्योंकि संभावना है, लेकिन होगी गा पीछे लग गया, यानी कि गा गएगी किसकी पहचान है, भविष्य काल की। बस ये मेन बात है, ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। संदिग्ध नौकर शायद दूध लेकर आया था, शायद आया था है मतलब भूतकाल का है, या छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था लगा है, संभवतः लगा है मतलब संभावना है, शायद लगा है मतलब नौकर शायद आया था दूध लेकर, तो था लगा है मतलब भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का ये जो है ये क्या है, वाक्य है, ठीक है।
अगला इसका छठा भेद है हेतु, हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद का अर्थ होता है कि जैसे एक कार्य के बिना दूसरा जो कार्य है वो क्या है, पूरा नहीं होता। यानी कि मान लो जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ पे आश्रित होते हैं हर एक क्रिया के लिए, हर एक कार्य के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी वो ही सेम प्रोसीजर चलता है ना। हेतु हेतु मंद भूतकाल, जहां पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य जो है वो आश्रित दिखाई दे, यानी कि हेतु हेतु मतलब भूत का भूत, ठीक है, एक कार्य का दूसरे कार्य पर आश्रित होना, है ना। जैसे वाक्य है, यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती तो देश भूखमरी से इतने, तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे ना मरे होते। तो बरसात जो जुड़ी है वो किसके साथ जुड़ी है, भूखमरी के साथ, है ना। तो बरसात यानी कि आपकी बरसात किस, यानी कि जो अच्छी फसल है वो किस पर आश्रित है, बरसात पर, है ना। तो बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, अगर फसल अच्छी होती तो भूखमरी ना होती, ठीक है। इनकी एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित। यदि एक और वाक्य मैं आपको बताऊं तो जैसे यदि आपने अच्छी मेहनत की होती या साल में अच्छी मेहनत की होती तो आप असफल नहीं होते, है ना। मतलब कि जैसे आपका जो मेहनत करना है वो आपकी असफलता के साथ जोड़ा गया है कि आपने मेहनत नहीं की, है ना। अच्छी तरह से की होती तो शायद हो सकता है उत्तीर्ण हो चुके होते, है ना। तो ये हुआ आपका भूतकाल, ठीक है। नेक्स्ट है भविष्यकाल। भविष्यकाल, भविष्यकाल का है भविष्यकाल, मैंने बोला जो आने वाला समय है, गागेगी, मैंने पहले ही इसकी आपको पहचान बता दी है, यानी कि जो आने वाला समय है उसे क्या कहेंगे हम, भविष्यकाल, ठीक है। जहां पर भविष्यकाल में कोई कार्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे, भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है कल नौकर चला जाएगा, मतलब कल नौकर चला जाएगा, आने वाले समय के बारे में बात की गई है, आने वाले कल के बारे में बात की गई है, तो क्या हुआ आपका भविष्यकाल। और पहचान है गागेगी, यानी कि गा लगा है पीछे, चल जाएगा, तो मतलब भविष्यकाल का जो है ये वाक्य है। या अगले रविवार को परीक्षाएं इलाहाबाद में होंगी, यानी कि जो भी आपकी परीक्षाएं हैं वो कहां होंगी, इलाहाबाद में, अगले रविवार को, आने वाले रविवार को। तो आने वाला रविवार जो है वो किसके साथ जुड़ा है आपका, भविष्यकाल के साथ, ठीक है। भविष्यकाल के भेद तीन इसके मुख्य जो हैं वो भेद हैं, कौन कौन से हैं, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल और हेतु हेतुमंद भविष्यकाल। सामान्य जो है वो सब में है, मैंने बोला सिंपल सेंटेंस सबका होता है, चाहे वो वर्तमान है, चाहे वो भूतकाल है या फिर भविष्यकाल है। सामान्य भविष्यकाल जहां पर भविष्यकाल में कोई कार्य होने की संभावना हो वहां सामान्य भविष्यकाल होता है, यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी कार्य होना हो तो वहां पे क्या होगा आपका, सामान्य भविष्यकाल। कल बैच चला जाएगा इसका एग्जाम्पल है, कल बैच चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, एक सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। गी गा लगा हुआ है, गा गएगी लगा हुआ है, तो मतलब सामान्य भविष्यकाल है। दूसरा है इसका संदिग्ध भविष्यकाल। संदिग्ध मतलब संदेह, समय आ रहा है, जहां पर भविष्यकाल में किसी कार्य के होने या करने पर क्या पाया जाता है, संदेह पाया जाता है, ठीक है। और संदेह में मैंने आपको बता दिया है कि कौन से शब्द लगते हैं, शायद, संभावना, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहां पर संदिग्ध भविष्यकाल से रिलेटेड जो है वो क्या आते हैं, वाक्य आते हैं, ठीक है। जैसे शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, इनकी शायद हो सकता है कि पिताजी मुझसे पहले कहां पहुंच गए होंगे, घर पहुंच गए होंगे, ठीक है। ये लगता है शब्द, है ना, संभावना है के लिए यूज किया गया है। दो घंटे में बरसात शुरू हो जाएगी, इनकी बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी,
कब? 2 घंटों में, अभी नहीं हुई है, हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है? संदिग्ध भविष्य काल है, यानी कि संभावना है बारिश होने की, ठीक है। हेतु, हेतुमंद भविष्य काल, हेतु हेतुमंद मतलब कि भविष्य में कोई भी क्रिया है वो भी एक से दूसरी पर क्या है, आश्रित है, सेम वो ही है कि एक बात दूसरी बात पर निर्भर करती है, पर कहां पर? भविष्य काल, ठीक है। जैसे यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो आप लोगों का विवाह भी जल्दी हो जाएगा। तो आपके विवाह को किसके साथ जोड़ा गया? अधिकारी बनने पर, यानी कि आपको, आप पढ़ोगे, आप कोई टेस्ट क्वालिफाई करोगे, कमीशन लड़ोगे, है ना, अच्छी नौकरी पे लगोगे, तो आपका विवाह जो भी है वो कैसे हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि काल जो था वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा एक ये जो है ये टॉपिक है, यानी कि काल, सबको पता है, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ते हो टेंसेस, है ना, इनकी वर्तमान काल, भविष्य काल और भूत काल, ठीक है। तो वर्तमान की पहचान होती है रहा है, रहे हैं, इनकी है लगता है वाक्य के अंत में। भविष्य की पहचान होती है गा गेगी, इनकी करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, है ना। और भूत काल की पहचान होती है था, थे, थी, कर रही थी, सो रही थी, ठीक है। तो यह इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।